नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज मेरे इस चैनल रेखी ज्ञान में। कोरोना वायरस बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है, क्या करें ध्यान से सुनिएगा। आज अपने वीडियो के माध्यम से मैं वो सारे तरीके आपको बताऊंगी जो अगर प्रत्येक घर करना शुरू कर दे तो काफी हद तक हम इससे लड़ने के लिए अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को मजबूत कर सकेंगे। यूं तो गणनाएं जो बता रही हैं तो ये बहुत गंभीर समस्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और सभी लोग आपको समय समय पे आगाह करते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक फ्री हीलिंग इसी पे ही दी थी, उसमें मैंने कुछ चीज़ें भी आप सभी को बताई थी। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने उन बातों का उस समय ध्यान रखा होगा और मुझसे फ्री हीलिंग प्राप्त की होगी। आज जो समस्या है उसके बारे में किस तरीके से अपने परिवार को बचाएं, मैं उन सभी पे बताऊंगी। कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगी जिनका यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये समस्या बहुत हद तक आपके परिवार में कम होगी। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं अपने अपने बच्चों की, अपने परिवार की, किस तरीके से अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, किस तरीके से अपने घर का आभा मंडल स्ट्रांग करें, किस तरीके के सारी दशाओं को ब्लॉक करें, छोटी छोटी चीजें समझाऊंगी। वास्तु ज्योतिष के वो ऐसे बहुत से तरीके बताऊंगी जिन्हें हमारे पूर्वज अपनाते गए हैं। यूं तो ये कोई पहली बार महामारी की समस्या नहीं आई है, पहले भी कई बार आई है और हम लोगों ने अपने जन संकल्प से इस चीज को दूर किया है। क्या है ये वायरस या ये क्या समस्या है? अपने आप को बिल्कुल शांत कर ले और मेरे जो सुझाव है उस पे चिंतन करते हुए मैं जो भी चीज आपको बताऊंगी उसको ध्यान पूर्वक कीजिए। कोई भी समस्या आपके ग्रह नक्षत्र जब कमजोर होते हैं तब आपके घर में एंट्री करती है। गणनाएं जिस प्रकार से दे रही हैं उस प्रकार से जो लोगों के राहु, केतु या शनि या किसी प्रकार के कमजोर ग्रह हैं, यदि हम ग्रहों की बात करें तो उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। मगर जो घर समस्याएं जो सुझाव मैं दूंगी आप सभी उसका इस्तेमाल करें। प्रत्येक घर मेरे इस दिए सुझाव को करें तो आप देखेंगे काफी हद तक आप प्रोटेक्शन कर सकेंगे। आपका जो घर है उसके अंदर क्या करना है बहुत ध्यान से सुनिए और करना शुरू कर दीजिए। देखिए, यदि कोई भी इस तरीके की महामारी आती है तो हम उसे ज्योतिष वास्तु में शीतला माता की एक या दैवीय शक्ति की किसी तरीके की उनकी हमें नियत या उनको हम हमारी उनको किसी तरह के अर्पण प्राप्त नहीं हुआ तो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं, मगर ये पुराने लोगों का मानना है। तो उनके लिए हमें क्या करना है, शुद्धि करनी है। दरवाजे पे आप नियमित पानी डालिए, दूर से डालिए। अब मैं जो तरीके बता रही हूँ उन्हें फॉलो कीजिए। एक पतीले में साफ पानी ले लीजिए, उसके अंदर कुछ नीम के पत्ते डाल के उबाल लीजिए। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तब किसी दूसरे बर्तन से अपने घर के गेट पे वो पानी डालिए। आप अपनी दहली पे डालिए जिससे व्यक्ति अंदर आता जाता है। अपने हाथों को धोने के बाद में आप उस पानी को अपने हाथों में डालिए, यानी कि आपने नल खोला, हाथ धो लिए। जो भी सैनिटाइजर सोप आप इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छी बात है, उसके बाद नीम के पानी से अपने हाथों को धोइए। ये बहुत बैक्टीरिया जो आपके बैक्टीरिया है उनको भी मारने में आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ नीम के पत्ते आप तोड़ के लाइए, उसे अपने दरवाजों पर जहाँ आपकी लाइट का एरिया है वहां पे रखिए, बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। जब वो पत्ते सूख जाएं तो अपने घर में ही उनको जला दीजिए और जलाने के बाद वो सारा जो उसका धुआं होगा वो घर में धुंध की तरह से लगने दीजिए और जो बचता है उसे उठा के बाहर फेंक दीजिए। ये छोटे छोटे उपाय आप कीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों को ये लगता है गंभीर समस्या है या जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उनके जो बिस्तर है उससे कुछ दूरी बना के रखें। किसी व्यक्ति को फीवर आ रहा है, किसी व्यक्ति को बुखार है तो एलोवेरा जूस या घृत कुमारी जिसे हम कहते हैं उसका आप थोड़ा सा एक टुकड़ा ले लीजिए, उसको आप घिस लीजिए, उस व्यक्ति को दीजिए। गिलोय यहाँ आपकी बहुत हद तक मदद करेगी, उसका भी प्रयोग कीजिए। अब मैं आपको एक वास्तु का भी तरीका बताऊंगी जो बहुत हद तक मदद करेगा। एक फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए जिसे हम एलम कहते हैं, उस व्यक्ति या जिसको ये समस्या है वो अपने सर के नीचे उसे रख ले
और उसको जब 2-4 दिन रखा लेते और कुछ दिन बाद उसको बाहर जाके थ्रो कर दे, ऐसी जगह या नाली बाहर की तरफ निकलती हो। आप अपने फ्लैट के बाहर की नाली है या आपकी कोठी है या आपकी जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से फेंकिए। व्यक्ति एक दूसरे से उचित दूरी बनाए। अगर आप खुद से अपना बर्तन, अपना जितने भी खाने का बोतल, वाटर बोतल साफ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको प्रॉपर क्लीन कीजिए। क्लीन करते समय कुछ बातों का भी ध्यान दीजिए कि जब आप क्लीन करते हैं तो किस डिटर्जेंट से, किस सोप से कर रहे हैं। साथ ही साथ यदि उसके बाद में आप नीम के पत्तों का पानी यूज़ करते हैं तो वो भी आपको बहुत हद तक मदद करेगा। जब हम इन तरह की समस्याओं में गुजरते हैं तो बहुत हद तक हमारे घर में टेंशन रहती है। मैं ये आशा करूंगी कोई भी मेरा जो भी सब्सक्राइबर है उसे समस्या ना हो। यदि थोड़ा भी कफ, खांसी, कोल्ड है तो आप उचित डॉक्टर का परामर्श अवश्य लें। हाथों को प्रॉपर क्लीन करें, उसका भी मैंने तरीका बताया। इस तरीके का ब्लैक टर्मलाइन एक स्टोन आता है, पत्थर आता है, उसको अपने पास रखिए जो नेगेटिविटीज को एब्जॉर्व करेगा। नवरात्रों के अगर दिन चल रहे हैं जिस नवरात्रों में हम लोग को शुद्धि होती है तो उसका भी ध्यान रखें। कोई भी बाहर की चीज़ यदि फल फ्रूट है तो प्रॉपर उसे क्लीन करके आप उसे खाएं। यदि बाहर से आए कोई भी चीज़ें घर में आ रही हैं तो उसे 8 घंटे के लिए, जैसे अगर मान लीजिए आप फल फ्रूट लेकर आ रहे हैं तो अपने घर के बाहर या कोई ऐसी जगह बनाइए जहाँ पे आप उसे रखें और वहाँ जाकर कोई भी ग्लव्स आप पहन के उसे प्रॉपर वॉश करें और थोड़ी देर के लिए वहाँ रहने दें। उसके बाद अपनी किचन में या बच्चों को दें उन चीज़ों को, एकदम से बाहर से कोई चीज़ आई तो तुरंत ना दे दें। इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है। वैसे तो सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। नीम का पत्ते मैंने देखे हैं इन समस्याओं में अद्भुत प्रयोग करते हैं। एक और पत्ते के बारे में आज आपको बताऊंगी, उसका भी आप देखेंगे बहुत हद तक वो आपको प्रयोग करेंगे तो बहुत हद तक आपको आराम देगा। वो है मिंट लीफ। मिंट लीफ आपको इजीली मिल जाएगी, जिसे हम पुदीने के पत्ते कहते हैं। पुदीने के पूरे पूरे स्टेम के साथ पूरा पत्ता आप ले लीजिए, पूरी डंडी में वो लगा होगा, और उसको सुखा लीजिए और रोज शाम को 2 डंडियां उसको आप जलाइए और पूरे घर में घुमाइए। उससे भी आप देखेंगे एक अजीब टाइप की गंध आपके घर में रहेगी और ये चीजें आपके घर से दूर होंगी। इसका भी प्रयोग कीजिए। साथ ही साथ जो भी आप पानी पी रहे हैं उसके अंदर एक तुलसा जी का पत्ता डालिए। आप जहां से भी पानी कलेक्ट कर रहे हैं, जिस भी जगह से कर रहे हैं या जिस बोतल से पी रहे हैं, रोज उसमें तुलसा जी का पत्ता डाल के छोड़ दीजिए और पूरे घर वाले उस तुलसा जी के पत्ते का जो वाटर आपका है वो सारा पिए। वो भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करेगा। दूरी बनाए, घर के बाहर ना छुए, न्यूज़पेपर्स जो आप पढ़ते हैं उनको प्रॉपर क्लीन करें या बंद कर दें। कोई भी बाहर से जो चीज़ आपके घर में एंट्री कर रही है उसको किस प्रकार से आपको रखना है, ये सब आपको बहुत हद तक ध्यान देना है। बहुत गंभीर समस्या है लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। यदि आप चाहें तो प्रत्येक व्यक्ति जो मेरे सब्सक्राइबर जो प्रत्येक जुड़ा हुआ है मुझसे, वो 100% सुरक्षित रहेगा। समय समय पर मैं हीलिंग भी दे रही हूँ, आप सब्सक्राइब करिए और मुझसे जुड़िए, वो मेरी हीलिंग भी लीजिए, जिसके कारण जो भी समस्या है वो मैं तुरंत आपकी मदद कर सकूं, उस समस्या को हीलिंग और पॉजिटिव एनर्जी से प्रार्थना कर सकूं, वो आपकी दूर हो सके। छोटे छोटे 2-3 प्रयोग हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो आप पानी पी रहे हैं वो जिस स्रोत से आ रहा है उसका भी ध्यान रखें। पानी की प्रॉपर क्लीनिंग आवश्यक है क्योंकि हमारी बॉडी 70-75% वाटर एलिमेंट से बनी है, तो जो पानी ले रहे हैं वो प्रॉपर क्लीन हो, उसको बॉइल करें, इस बात का भी ध्यान रखें। नहाते समय जब आप नहाते हैं, अगर उस समय भी अगर आप नीम के पत्तों के पानी का प्रयोग कर रहे हैं नहाने के बाद, या बकेट में डाल के छोड़ भी दिया है तो वो अपने आप ही, आप देखिएगा एक ब्राउन का सा कलर वाटर जब आप डालेंगे उबालेंगे तो हो जाएगा, या आप डाल के छोड़ेंगे तो अपने आप से वो छोड़ेगा। नीम के पेड़ की लकड़ी बहुत प्रयोग करती है, उससे दांत जरूर मांजिए, या छोटे से नीम की छोटे से कोपल आप देखिए ऊपर पत्तियां छोटी छोटी सी आती हैं वो तोड़ के लाइए, प्रॉपर क्लीन कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति वो 4-5 पत्ते चीनी के साथ खाए, या अगर चीनी ना मिले तो बताशे के साथ भी आप खा सकते हैं और उसको आप प्रयोग कीजिए और उसे खाइए। मैंने आपकी वो सारी चीज़ें जो आपकी नेगेटिविटी को हटाएगी, साथ ही साथ किस तरीके से आप उस घर में आप धुन लगाएंगे, किस तरीके से आप घर को साफ करेंगे, वो सारी चीज़ें समस्याएं बताई हैं। इसका आप प्रयोग कीजिए, डॉक्टर सलाह जरूर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर की सलाह लीजिए, प्रॉपर अपना मेडिकल चेकअप जरूर कराइए। और हमारे जो प्रधानमंत्री जो बातें हमें समझा रहे हैं बता रहे हैं, वो गाइडलाइंस जो दे रहे हैं,
प्लीज उसे अंधविश्वास ना समझिए, प्रयोग कीजिए। ये गंभीर समस्या है, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो ये नामुमकिन नहीं है, हम इससे अवश्य निकलेंगे। साथ ही साथ जो मेरे फ्री हीलिंग सेशन है उनको ज्वाइन करते रहिए समय समय पे, जो मैं दे रही हूँ, जिससे मैं आपकी हीलिंग भी उसके साथ आपकी प्योरिटी की भी ध्यान रख सकूँ। साथ ही साथ जो तरीके मैं आपको बता रही हूँ 3-4, इनका अवश्य प्रयोग कीजिए और हम इससे जरूर इस पे हम आगे विजय प्राप्त करेंगे। आज इस छोटे से वीडियो जो मैंने आपका जो वायरस इस समय फैल रहा है उस पर बनाया है, इन सभी मेरी छोटी छोटी गाइडलाइंस को प्लीज यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए। इसमें आपको किसी प्रकार का धन खर्चा नहीं करना है, सिर्फ ये प्रयोग कीजिए और आप देखेंगे आपके घर की ऑरा खुद ब खुद स्ट्रांग होने लगेगी और नेगेटिविटी आपके घर से जाने लगेगी। थैंक यू सो मच।